ओम शांति। आज बाबा के 7 अगस्त 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस है। दिल से हम बाबा का हृदय के कोने कोने से, हृदय के तार तार से, दिल से कहेंगे, प्यारे बाबा, आपने हमें अपना बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें रोज परम धाम से मुरली सुनाने के लिए आते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुरली में आप हमें इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं, मार्ग प्रदर्शना देते हैं कि मन की उलझने समाप्त हो जाती हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। कर्म क्षेत्र पर आप हमारे साथ रहकर हमें कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, आपका शुक्रिया। हम रात्रि विश्राम करते हैं अपने सारे बोझ आपको देकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ सेकंड के लिए दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे। आत्मिक स्वरूप में टिके, अपने मस्तक में एक दिव्य प्रकाश अनुभव करें, जो शुक्रिया के भाव से भरपूर है। महसूस करें महाज्योति की पवित्र किरणें फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही है। मेरा चित्त शांत निर्मल होता जा रहा है। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में भाव अभिव्यक्ति करें, आपने हमें क्या से क्या बनाया, आपका शुक्रिया। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा की बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं जिन्हें हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। साथ साथ बाबा ने धारणा बिंदु बताया कि खान पान के चक्कर में ज़्यादा नहीं जाना, ज़्यादा उलझना नहीं। कभी कभी हम बहुत खाने पीने के मामले में उलझे रहते हैं, बुद्धि बार बार वहाँ जाती है तो योग बाबा से टूट जाता है। फिर बाबा ने कहा, आपको सत्यता के द्वारा अपनी डायमंड की चमक को बढ़ाना है। आत्मा डायमंड है। जब हम इस स्मृति में रहते हैं कि मैं सत्य स्वरूप में स्थित हूँ, तो चमक बढ़ती जाती है। साथ साथ बाबा ने आज ये याद दिलाया कि बच्चे, मैं निराकार तुम आत्माओं का पिता, तुम आत्माओं को अमर लोक में लेके जाता हूँ। सत्युगी दुनिया अमर लोक है और मैं 3 देवताओं के द्वारा कार्य करता हूँ, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तभी यादगार में शिवलिंग के ऊपर 3 लाइनें होती हैं और बीच में बिंदु होता है कि जो शिव हैं वो त्रिदेव रच्यता हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश और विष्णु जी के द्वारा पालना। अब हम एकाग्र होकर सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। बाबा की श्रीमत पर चलकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। सारा दिन ये धंधा करते रहो, कोई भी मिले उसको खाली नहीं जाने देना, उसको घर का रास्ता जरूर बताओ। फिर कैसे पुरुषार्थ करके हम सत्युगी दुनिया में जा सकते हैं, जहाँ जीवन भी है पर मुक्त अवस्था में। आज जीवन बंधन में है, सत्युग में जीवन मुक्ति है। परम धाम को मुक्ति धाम कहते हैं, वहाँ तो देह भी नहीं है, आत्मा मुक्त अवस्था में है। तो कोई भी मिले रास्ता बताने में बिजी रहना है। रास्ता कौन बता सकता है? जिसे पहले स्वयं पता हो
कि मेरा घर कौन सा है, फिर सतयुग राज्य में आने की विधि क्या है। बाबा कहते आपको इसमें बिजी रहना है। क्वेश्चन है, बाबा ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई जो बहुत समझने की हैं? कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई जो बहुत समझने की हैं? बाबा ने सुनाया, सतयुग अमर लोक है, वह आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं है, इसलिए उसे अमर लोक। सतयुग की दुनिया को क्या कहते हैं? अमर लोक, क्योंकि वह मृत्यु नहीं है, इसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा खुशी खुशी लेती है। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना, इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। शिव बाबा के बच्चे तो सारी दुनिया है, सभी आत्माएं उनकी संतान है। ब्राह्मण कौन बनते हैं? जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब सूक्ष्म बातें बाबा ने सुनाई। ऐसी सी बातों पे विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना। ऐसी बातों पर विचार करके, विचार सागर मंथन करके बुद्धि के लिए भोजन तैयार करना है। सरल शब्दों में बाबा ने सूक्ष्म बात सुनाई कि सत्यों की दुनिया में हम खुशी से शरीर छोड़ते हैं, जिससे सत्यों में तो मृत्यु भी एक उत्सव की तरह से है। उत्सव में आनंद मनाते हैं ना, जैसे जन्म उत्सव, ऐसे वह मृत्यु उत्सव। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, लेकिन वह मृत्यु का नाम नहीं है, इसलिए उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा, बाबा की रचना, हम सब ब्राह्मण हैं और शिव बाबा विशेष रूप से तीन देवताओं के द्वारा कार्य करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं, लेकिन जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वो निश्चय बुद्धि आत्माएं ही बनती हैं। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान वाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कह सकते हो, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह के मिला देते हैं, ये तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। मनुष्य कह देते शिव शंकर, दोनों को मिला देते। शंकर के लिए कहते आँख खोलते हैं, विनाश हो जाता है। हम सब ने क्या समझा कि शिव हमारे पिता हैं, शंकर उनकी रचना है। शिव पिता की संतान, उनके रचना में ब्रह्मा विष्णु और शंकर है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं। शिव कल्याणकारी हैं, शंकर विनाशकारी हैं। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता, तीन का मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है, 84 जन्मों का विष्णु का, और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है, पार्ट इन तीनों का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम, आदि देव एडम भी कहा जाता। प्रजापिता का मंदिर भी है, यह है विष्णु का अथवा श्री कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो अडॉप्टेड कहेंगे, ये दोनों बच्चे हैं शिव के, वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता, हम सब ने क्या समझा ब्रह्मा ही विष्णु बनता है। तो शिव बाबा का पहला बच्चा तो ब्रह्मा है, फिर वही आत्मा सतयुग में पहले श्री कृष्ण बनती है, स्वंबर के बाद श्री नारायण बनती है, लक्ष्मी नारायण विष्णु का ही रूप है, तो ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते, ना लक्ष्मी नारायण कोई बहुत बच्चे हो सकते। बाबा संगम युग की बात समझा रहे हैं, संगम युग पे सब शिव बाबा के बच्चे हैं, आत्मा रूप में भाई भाई। फिर जिनको बाबा ने अडॉप्ट किया ब्रह्मा द्वारा, वो मुख्य वंशावली हैं। वही जो मुख्य वंशावली ब्राह्मण है, पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं। यह बुद्धि के लिए भोजन, आप ही भोजन बनाना चाहिए। ये जो विचार सागर मंथन करना है, ये खुद ही करना चाहिए। ज्ञान की बातों को मन में मनन करना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का,
जो 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरती, ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते, वास्तव में अलंकार तुम्हारे हैं। ध्यान से समझेंगे, विष्णु जी के हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा, पदम। विष्णु जी क्या करेंगे इनका? उनको आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते ये आपके अलंकार है, ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही तो देवता बनते हैं, लेकिन क्योंकि ब्राह्मणों की अभी संपन्न अवस्था नहीं है, तो इसलिए संपूर्ण स्वरूप को यादगार दे दिए। ये प्रतीकात्मक है, शंख ध्वनि करना, ज्ञान की बातें सबको रोज सुनाना, जो ज्ञान मिला वो बांटना, कमल का फूल की घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पुष्प समान। गदा मतलब ज्ञान योग की शक्ति से अपनी बुराइयों को खत्म करना, अपनी कमियों को समाप्त करना। साथ साथ अन्य अलंकार भी हैं, ये सारे अलंकार शंख, चक्र, गदा और पदम ये ब्राह्मणों के हैं। सृष्टि चक्र अर्थात स्वदर्शन चक्र। तो बाबा ने कहे जो अलंकार है ये आपके हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा ना सके। बाबा नए नए तरीके से समझाते। बाबा कहते त्रिमूर्ति शिव भगवान वाज, ये राइट है। विष्णु, ब्रह्मा और शिव, इसमें प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भले क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पार्ट तो उनका है, ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है? सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा, उनकी रचना को सालिग्राम कहेंगे। ध्यान रहे, ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, और संगम पर डायरेक्ट रूप से पालना ब्रह्मा जी लेते हैं, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं, शिव की रचना तो बहुत है, सब आत्माएं उनकी औलाद है ना, चाहे उसे कोई बाबा कहता है नहीं कहता है, कोई बाबा को याद करता है नहीं करता है, सब परमात्मा के बच्चे हैं, शिव के बच्चे हैं। लेकिन जो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं वो तो कम बनते हैं, इसलिए शिव की रचना ज़्यादा है। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण बनते हो, हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सब आत्माएं। शिव बाबा है बेहद का पिता, सारे विश्व की आत्माओं का पिता, बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाण धाम वासी व शांति धाम निवासी तो सब बनते हैं, घर तो सब जाएंगे, उसे शांति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है, ध्यान से समझेंगे, सबसे ऊंचे से ऊंची सेवा शिव बाबा की है। वो सब आत्माओं को ले जाते हैं, सबका पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते मेरा पार्ट अलग है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराई, तुम्हें पतित से पावन बना के ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू करके चले जाएंगे। बाबा ने कहा बाबा की याद से पापों को भस्म करते हो, हिसाब किताब को सेटिंग में लाते हो, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे, सृष्टि का चक्र तो फिरना है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन इन बातों को जानते हो, तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो। क्या सेवा करते हैं ब्राह्मण? सबकी सेवा करते हो, बाबा का परिचय देने की सेवा करते हो। आजकल प्रदर्शनी वगैरह वो सेवा तो नहीं हो सकती, लेकिन फ़ोन पर भी हम एक दूसरे को बाबा का परिचय दे सकते हैं, 1 वीक कोर्स करा सकते हैं, एक दूसरे को लिंक भेज सकते हैं कि वो भी कोर्स करें, बाबा की मुरली सुने, हर एक का संबंध परमात्मा से जुड़े और उनका कल्याण हो। बाबा कहते ये ब्राह्मण ही कर सकते हैं, सबको रास्ता बताने का कार्य है। मनुष्यों को रास्ता बताते हो मुक्ति, और जीवन मुक्ति को पाना है तो आप ऐसे पा सकते हो, दोनों चाबी हाथ में है। जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे? तुम्हारा सारा दिन ये धंधा है, कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वो रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्यंत को जानना और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। पहले स्वयं ज्ञान को समझना, फिर अन्य आत्माओं को भी संदेश देना
कि वो मुक्ति के लिए भी तैयारी करें, परमधाम घर जाना है, फिर सत्युगी दुनिया में आना है, जीवन मुक्ति में आना है। जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। माने का जो देवकुल की आत्माएं हैं वो आ जाएंगी, सब नहीं आएंगे। कोटों में से कोई, कोई में भी कोई बाबा के बच्चे बनेंगे, बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, बाबा की मुरली कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इसी से ही पता चलता है, बाबा से प्यार मतलब मुरली से प्यार। मुरली से जिसको प्यार है, समझो उसने भगवान को पहचान लिया है। बाबा ने कहा, इस समय तुम बच्चों को बाबा आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है, तुम्हें भी बुद्धि में बाबा याद रहना चाहिए। फादर है सुप्रीम सोल, तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। बाप को याद करो, टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता। बाबा मंत्र देते हैं, मन मना भव। फिर क्या होगा, मंत्र जब मिल जाता तो क्या होता है, सब दुख दूर हो जाते हैं। बाबा मिला, सारे दुख दूर हो जाते हैं। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। ये नहीं समझते कि कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है, तो खुशी में नाचना चाहिए ना। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं, अंदर में ख्याल होता है पैसे कमाएंगे, मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तुम तो सच्ची कमाई कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ नया मिलेगा। ये सच्ची कमाई जमा हो रही है, बाबा की याद सच्ची कमाई है। जितना हम याद करते हैं जमा होता रहता है। फिर सतयुग में ऊंच पद मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था, एक मंदिर, और उसमें कितना विशाल दिखाते हैं कि उसमें धन सामग्री थी। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ, बनाने में टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी तो वो लूट कर ले गए। बाबा कहते, बाबा को याद करने की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया जाता जीवन मुक्ति, ऐसे ही थोड़ा ही मिल जाती है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, पुरुषार्थ करना होगा। समझा जाता बच्चे बनेंगे तो ज़रूर ऊंच पद मिलेगा, मेहनत करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। आत्मा छोटी सी बिंदी है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए बाबा से वर्षा लेने की। हम बाबा के पास आए हैं वर्षा लेने के लिए, इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए। शरीर निर्वात कर्म करते भी पेट को जास्ती नहीं खाता। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो लालच हो जाती है, गरीब को पैसे की नहीं तो हबच भी नहीं। बाबा कहते, उसके पास पैसा नहीं होता तो इतना ज़्यादा खान पान का लालच भी नहीं होता। बहुत बार खाने पीने पे हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, पैसा भी वेस्ट कर देते हैं, पेट कितना चाहिए उसको। लेकिन कई बार लालच के वश बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, वह सूखी रोटी में खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं होना चाहिए। शरीर को चलाना है, वक्त पे खाना है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है। अनासक्त होकर शरीर को चलाने के लिए सात्विक भोजन स्वीकार करना है। जास्ती लालच नहीं होना चाहिए। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है, वहाँ कोई बीमारी भी नहीं होती है। यहाँ पर कितनी बीमारियाँ, सत्यों में बाबा कहते कोई बीमारी नहीं होती, गुड हेल्थ होती है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं कि अच्छा तो प्रजा ही प्रजा सही। कहीं कहते राजयोग सीख रहे हैं, कोई बात नहीं सत्युग में तो चले ही जाएंगे, दास दास ही सही, प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी करना चाहिए। बाबा कहते लक्ष्य तो ऊंचा होना चाहिए ना, कि मुझे श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, महाराजा महारानी बनना है। बाबा कहते ऐसे क्यों सोचते हो कि चलो प्रजा में तो चले ही जाएंगे, अच्छा पुरुषार्थ करना है। स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी सोचते कि थर्ड में आ जाएं कोई बात नहीं, फर्स्ट डिविजन लेनी है, फर्स्ट आना है, अच्छा एम रखा जाता है। यहाँ पर भी एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
विशेष शुक्रिया आज के दिन। धारणा के लिए सार क्या होगा? अंतःकरण से पूछेंगे, मुझे कौन सी बात प्रिय लगी जिसे मैं करने के लिए तैयार हूँ, जिसको करके मेरा जीवन खुशहाल बन सकता है। सुनेंगे, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहने हैं, अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं, अंदर से अभ्यास करते रहना है, सदा इस खुशी में रहना है कि हम शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ये बातें समझने की हैं। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो सारा विश्व हमारा एक परिवार है, हम सब भाई बहने हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। पर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तो बहन नहीं कहेगा ना, वो तो उसका लौकिक नाता है, उसको इस हिसाब से समझना है। बाबा कहते हैं ऐसे समझना है ज्ञान की बातों को, ऐसे किसी को नहीं बोलना, अंदर में समझना है कि शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। अंदर खुश नसीबी की झलक होनी चाहिए। खान पान के हंगामे में ज़्यादा नहीं जाना, लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। ध्यान से समझेंगे आज का वरदान। अटेंशन से, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले, माया जीत मोह जीत भव। माया के जो संबंध हैं उनको बाबा कहते तलाक दे दो। बाबा के संबंध से सौदा करने वाले, माया जीत मोह जीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। बाबा कहते कि जो परिवार में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, हर एक को बाबा को अपना साथी बनाना है। अगर एक अच्छे ज्ञान में चलते हैं तो जो भाई ज्ञान में चलते हैं उनको समझना है कि मेरा साथी शिव बाबा है। उनकी पत्नी जो ज्ञान में चलती है उनको भी समझना है कि बाबा मेरा साथी है। आपस में एक दो के सहयोगी रहो, लेकिन साथी शिव बाबा को बनाओ। एक दो के सहयोगी बनो, मददगार बनो, लेकिन साथी शिव बाबा को बनाओ। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। बहुत गहरी बात है ये कि हम अंतःकरण से निराधार हों कि मेरे सारे संबंध एक सर्वशक्तिवान से हैं। सबका संबंध सर्वशक्तिवान से जुड़े तो मोह जीत बन जाएंगे, विजयी बन जाएंगे, माया जीत बन जाएंगे। जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी की बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। मोहग्रस्त नहीं होना, स्नेह सबको देना है। अगर बाबा कहते मोहग्रस्त हुए तो तीव्र पुरुषार्थी की बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। किसी के लिए तो विनाश होगा, कोई स्वर्ग के नज़ारे देखेंगे, दुनिया वालों के लिए तो विनाश है कि जो बाबा के बन गए उन्हें खुशी है कि नई दुनिया आएगी। तो किसी के लिए तो सामने मृत्यु के नज़ारे होंगे और कोई सत्यों की दुनिया का साक्षात्कार करते रहेंगे। इसको कहते हैं मिरुआ मौत मलू का शिकार। ऐसा नष्टोमोहा बनने वाले विजयमाला के दाने बनते हैं। ऐसे जो नष्टोमोहा बन जाते हैं, निभाते हैं, साथ रहते हैं, सहयोगी बनते हैं, पर अंदर से बाबा को आधार बनाते हैं, ऐसे मोहजीत मायाजीत बच्चे माला का दाना बनते हैं। थोड़ा सा आपके लिए गहन विषय हो सकता है ये। बाबा का भाव है कि प्रवृत्ति में रहना है, एक दो का सहयोगी बनना है, लेकिन साथ ही सर्व संबंध एक से जोड़ कर रखने हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। आज हम अभ्यास करेंगे मेरे सभी संबंध एक सर्वशक्तिवान से हैं। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा कंपेनियन है, मेरा साथी है। आज से मुझे उसकी कंपनी में रहना है। ओम शांति। एक जरूरी सूचना, गीता ज्ञान पर आधारित जिस 7 डेज कोर्स का हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, वह आज यानी 7 अगस्त साईं 6:30 बजे ज्ञान मोती चैनल पर लाइव चलेगा। सभी भाई बहने अपने सब लौकिक कार्यों से निवृत्त होकर इस कार्यक्रम को जरूर देखें। इसके लिए टाइप करें BK गीता ज्ञान फर्स्ट डे।